हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट के बहुत ही टेस्टी मफिन, जिसे बनाने का तरीका एकदम अलग है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम बना रहे हैं सबसे पहले दही। तो अगर आपके पास दही ना हो तो आप गुनगुने दूध में 1 टीस्पून विनेगर डाल दीजिए और इस तरह से मिक्स कर दीजिए। और यदि आपके पास दही हो तो आप 1/3 कप दही का इस्तेमाल करें और बाकी का आप 1 कप फिर दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सीधे ही 1 कप में 1 टीस्पून विनेगर डाल दिया है। अब ये देखिए दही हमारा तैयार है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ही लिया है। अब हम इसे मिठास देने के लिए डालेंगे मिल्क मेड। तो मैं यहाँ पर 1/2 टिन ले रही हूँ, मतलब मेरे 200 ग्राम का है, तो मैंने 100 ग्राम इसमें पूरा ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1/2 कप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। जिस कप के मेजरमेंट से आप 1 कप का मैदा या फिर आटा लेंगे, उसी कप के आप 1/3 1/4 अपने हिसाब से कर लें। तो ये देखिए ऑयल और मिल्क मेड को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर हर्शेस का चॉकलेट सिरप लूँगी, जो कि 1/3 कप लूँगी मैं। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप चॉकलेट सिरप डाल दिया है। आप इसकी जगह पर कोको पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बहुत ही चॉकलेटी और बहुत ही टेस्टी ये केक बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक स्ट्रेनर, इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप मैदा। ये 250 ग्राम का हमारा कप है, तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम लिया है मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर हम डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। यदि आपके पास ये दोनों ना हो तो आप बैटर बनने के बाद लास्ट में 1 पैकेट इनो का डाल सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब इसे थोड़ा और चॉकलेटी बनाने के लिए हम इसमें कोको पाउडर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून यहाँ पर लिया है हॉट चॉकलेट पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो जो भी गुठलियाँ हैं वो हम इसमें फोड़ लेंगे, क्योंकि ये कोको पाउडर है। इसे अच्छी तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। मिक्स करने से हल्का सा ड्राई हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा। तो जो हमने विनेगर वाला मिल्क ऐड करके रखा था ना, अब वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके रखेंगे। आप चाहें तो इसमें बैटर बनने के बाद ये जो हमने ये गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी रखी है ना, इतने में ही आप चाहें तो 1 टीस्पून विनेगर डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क ऐड करके भी उसी तरह से आप बना सकते हैं, या फिर आप जिस तरह से मैंने गुनगुने दूध में बनाया था उसी तरह से। देखिए बिल्कुल दही बनकर तैयार हो गया है और इसका पानी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये अलग अलग सा दिखेगा, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखेगा। और थोड़ा थोड़ा करके जितनी क्वांटिटी आपको लगे उतनी आप डालते जाएं। तो अगर आपके पास दही नहीं है तो आप विनेगर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर भी ना हो तो आप सेम क्वांटिटी में नींबू का जूस भी ले सकते हैं गुनगुने दूध में, तो बिल्कुल इसी तरह का काम करेगा। तो ये देखिए काफ़ी थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी ना ही हमें थिक रखनी है ना ही थिन। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें। 1 कप में हमारा 3/4 कप ये पानी जो हमने बना कर रखा ना, मिल्क वाला विनेगर वाला, ये हमारा लग गया था। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। आप इस केक से मफिन केक बना सकते हैं, फुल केक बना सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर चॉकलेट या चॉकलेट सिरप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन गया है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक ना ही बहुत थिन, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं मफिन मोल्ड, इनमें हम 1-1 टेबलस्पून भर देंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना भरें, नहीं तो ये ओवर हो जाएंगे। आप इन्हें कटोरियों में भी बना सकते हैं। इन्हें भरकर अच्छी तरह से हम टैप कर लेंगे। अब कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं 5 मिनट के लिए ढककर। स्टैंड या फिर कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, बिल्कुल सीधा हमें डायरेक्ट नहीं रखना होता है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारे सारे मफिन केक और ये केवल 12 से 15 मिनट के अंदर ही बेक हो जाते हैं। आप इन्हें माइक्रोवेव में भी 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करके 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम करके 12 से 15 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है।
10 से 12 मिनट में एक बार ज़रूर चेक कर लें, लेकिन बार बार कवर ना हटाएं, नहीं तो इसके अंदर की जो हीटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो चलिए इसे अब छोड़ देते हैं बेक होने के लिए। तो 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे मफिन बहुत ही अच्छी तरह से देखिए बेक हो गए हैं। टूथपिक डालकर देखेंगे एकदम क्लीन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, इन्हें ठंडा कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसी तरह से मार्केट में मिलते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने क्रीम को अच्छी तरह से विस्क कर लिया था घर पर ही, और इस तरह से आप छोटे छोटे जैसे चाहे वैसे इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। कलरफुल आप इसमें आइसिंग कर सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर दे रहे हैं। थोड़े बहुत हम इसमें स्प्रिंकलर ऐड कर देंगे और बहुत ही ईजिली हमारे बहुत ही कलरफुल बहुत ही टेस्टी मफिन केक बनकर तैयार हो जाएंगे। बच्चों के जन्मदिन में, किटी पार्टी में, या फिर आपका जब दिल करे तो आप इन्हें इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी मफिन केक। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।